लोगों को जो दोगे वही वापस लौट कर आएगा। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रिज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो मालिक को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और कहा, मालिक अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूँगा। और इतना कहते रहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। एक घंटा ही गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं, मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर मिलते हो और हाल चाल पूछते हो और निकलते वक्त आपका वही मिलनसार स्वभाव मेरे सारे दिन की थकावट दूर करता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं कि जैसे कि मैं हूँ ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन जाते समय आपकी आवाज सुनने के लिए इंतजार करता रहा। जब ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंस गए हो। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर बात करने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। जो लोगों को दोगे वही वापस लौट कर आएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।